तो आज हमारा लड्डू पहनने वाला है ये कपड़े, ये है कुर्ता, ये है धोती वाली पजामी एंड ये नई इनर वियर एंड अंडर वियर। और लड्डू को आज मैं ये पहनाऊँगी, एक्चुअली मम्मी की तरफ से है ये, पर मैं लेके आ गई थी जल्दी क्योंकि फिर पूजा के टाइम तक मम्मी के यहाँ से कपड़े नहीं आ पाते, इसलिए अपनी साड़ी वगैरह मैं कुछ नहीं लेके आई। मैं लड्डू के एक जोड़ी कपड़े उनमें से निकाल लाई थी और मम्मी के यहाँ दे के आ गई थी। तो चलो पहना दूँगी मैं, लड्डू को नहला देती हूँ। पहले सोच रही हूँ लड्डू नहीं जाग रहा तब तक मैं नहा लूँ। लड्डू हेलो, लड्डू हमारा रेडी हो गया है। मेरे बच्चों का काजल की डिब्बी मुझे नहीं नहीं ये बजा लो, ये देखो इसको इतना लग गया। तो मेरा बच्चा लड्डू का बर्थडे है, रोते नहीं हैं, बर्थडे वाले दिन बेबी बहुत रोते हैं। और लड्डू के पापा ये रहे, हेलो पतिदेव, हेलो, अब तुम बहुत बड़े आदमी लग रहे हो। कुर्ते पजामे में लगते हैं ना, लड्डू को ले लो कह रहा है, पता नहीं। तीनों लोग हो गए हैं रेडी। हेलो लड्डू, ये वाले कपड़े लड्डू के नानी के घर से आए थे, लड्डू के अभी और भी आने बाकी हैं, इनको मैं लेके आ गई थी और इन दोनों के मैचिंग हैं देखो। अब पंडित जी आ गए हैं, अभी होगी कथा। क्यों लड्डू, चलो काजल लगाऊं लड्डू के। मम्मा का लड्डू हो गया है रेडी, अब मम्मा जाएगी नहाने के लिए। पहले अभी ऊपर थोड़ा बहुत काम रह गया उसको करूँगी, तब नहाने के लिए जाऊँगी। पंडित जी आ गए हैं, पूजा होगी तभी। हाँ बंद कर दो, धुआं आ रही है, धुआं आ रही है अंदर, खोल देना। हाँ लड्डू हो गया है रेडी, अभी बड़ी तैयार हो गए। मोड़ी मम्मा ने ताता गंदे 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 के तो मेरे दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी। बाहर हो रहा है सुंदरकांड का पाठ, तो मंडली आ चुकी है। तो ये बोल रहे थे कि लक्ष्य तुम पूजा शुरू करवा दो बाहर, क्योंकि एक साथ एक आदमी दो जगह पूजा तो नहीं करवा सकता। तो ये घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही है, तो यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं बाहर। लक्ष्य को भेज दिया है और लक्ष्य नाराज़ हो रहा था क्योंकि मैं उसको पिंक कलर की टॉवल दे रही थी सर पे रखने के लिए। तो बोल रहा था कि मम्मा पिंक कलर तो लड़कियों का कलर होता है, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पूजा करते हैं तो सर पे कुछ ना कुछ रखना चाहिए, ऐसा होता है ना हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ पे लड्डू को पंडित जी बांध रहे हैं, कलावा और मुदित को भी, और हम सब लोग पूजा में बैठते बट काम को संभालने वाला कोई नहीं था। और जब काम को कोई संभालने वाला होता है, सारी चीज़ों को देखने वाला, तो बेझिझक पूजा में सब लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट करी हुई हैं और यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा। सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो चुकी है और बाहर में हो रहा है सुंदरकांड का पाठ। तो थोड़ी बहुत क्लिप वहाँ की भी मैं शूट करवा लूँगी, तो आप लोग थोड़ा एंजॉय कीजिएगा। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ तो बाहर में लक्ष्य ने पूजा करवाई है, तो पंडित जी ने उसको जनेऊ पहनाया हुआ है, फर्स्ट टाइम पहना हुआ है, तो बहुत हैप्पी हो रहा है। एवरीवन गुड आफ्टरनून, सुबह से फिर मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, लड्डू हमारा सोके उठ चुका है। हेलो भावना, भावना आ गई है, भाभी आ गई है और सब लोग बाहर है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है बाहर। हेलो ये मेरी दीदी है, हेलो, एक्चुअली मैं नाम लेती हूँ बट दीदी बोलती हूँ, इसके सामने नहीं बोलती हूँ। तो ये है मेरी सीमा दीदी, बीच वाली दीदी है, ये मेरी गांव में ही शादी हुई है इनकी, और इनका फुल लुक दिखा देती हूँ। हेलो देखो, ये कह रही मैं साड़ी चेंज करूँगी, मैंने बोला सिंपल ही अच्छी लग रही है, सिंपल मत साड़ी चेंज करो, है ना,
इसलिए। और पहले ये मुझसे बहुत मोटी थी, अभी ये पतली हो गई है ना। सब लोग मुझसे बड़ी बड़ी कहेंगे और इससे छोटी। हेलो लड्डू। और मैंने पहन लिया ये साड़ी सिंपल वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग देख सकते हो लाइट भी चली गई है, जनरेटर चल रहा है, भाभी भी आ गई हैं और सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। बाहर हो रहा है सुंदरकांड का पाठ, तो मंडली आई हुई है। आपने देख ही लिया होगा शायद इस क्लिप से पहले। ये ब्लॉग पता नहीं कब तक जाएगा, मुझे नहीं पता। और ये भाभी के यहाँ से कपड़े वगैरह आए, मम्मी के यहाँ से, सब लोगों के लिए। मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं साड़ी चेंज भी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कुछ भी नहीं पहनी, सिंपल सी मैंने इयररिंग्स पहन लिए, गोल्ड की चूड़ियाँ पहन ली हैं, चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं पहनी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा। हेलो लड्डू, मौसी कहाँ है बेटा? मौसी कहाँ है बेटा? लड्डू बच गया। चलो चलो जा रही हूँ मैं ऊपर देखने के लिए। ऊपर हो रहा है डेकोरेशन, अभी हो रहा है डेकोरेशन। यहाँ पे फोड़ना नहीं बलून को, ये गिरेगा तो नहीं है तो उससे नहीं फूलेगा उससे। भैया जो जनरेटर है वगैरह उससे लाइट तो वेट करते हैं थोड़ा, पता नहीं है कब तक आएगी। सत्य गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है, और ऊपर से गांव में लाइट की भी प्रॉब्लम है, बार बार कट हो जाती है लाइट। तो यहाँ पे जनरेटर चल रहा है, और जनरेटर का शोर इतना होता है, आप लोगों को तो पता ही है कि सुंदरकांड का जो पार्ट हो रहा है ना, बहुत अच्छा किया था मंडली वालों ने, उसकी भी आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही। सुंदरकांड और यहाँ पे हो रही है डेकोरेशन, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ जनरेटर लेके आए थे हम लोग, और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, बाद में कभी बताऊंगी। बस इतना कहूँगी अब तो कि मैं कभी भी खुशी से अच्छा करती हूँ या मेरा अच्छा होता है ना, मेरी अच्छाई में मेरी खुशी में कोई शामिल नहीं होता। और मैं सबके यहाँ जाती हूँ, मैं सबकी खुशी में शामिल होती हूँ। बट ठीक है, भगवान भी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, शायद इसलिए कर रहे होंगे कि जैसे मैं भी उनके यहाँ ना जाऊँ। अब जो मेरे यहाँ नहीं आएगा मैं भी उसके यहाँ नहीं जाऊँगी, ये बात भी पक्का है। मैंने सबको इतने प्यार से बुलाया, इतने खुशी से बुलाया, इतना हम मतलब अभी मेरे बच्चे का पहला है, लोग बहाना बना देते हैं, लोग आना नहीं चाहते हैं, और रीज़न कोई भी नहीं है। और मुझे पता है रीज़न क्या है उनके लिए, बट मैं अभी कुछ नहीं बोल रही। बस मैं इतना बोलूँगी, मैं अपने बच्चे का खुशी खुशी करूँगी, चाहे मेरे बच्चे का मैं कोई शामिल हो या ना हो, क्या करूँ मैं, इतना ही बोलूँगी। यार लोग कितना जलते हैं, अपने लोग ही ज़्यादा जलते हैं। मैं तो यही कहूँगी, दुनिया में कोई नहीं जलेगा, लेकिन घर के लोग अपने लोग ज़्यादा जलते हैं, अपने रिलेशन वाले होते हैं वो ज़्यादा जलते हैं।
मैंने सबको बुलाया है, अपने रिश्तेदार में जो भी मेरे रिलेशन में सबको बुलाया है मैंने। मायके वाले से सब आए हैं, ससुराल वालों में से बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन आज से क्लियर मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मैं क्लियर कट बोलती हूँ, चाहे ससुराल वाले हो चाहे मायके वाले हो, जो मेरी खुशी में शामिल नहीं होगा मैं उसकी खुशी में शामिल नहीं होंगी। खुशी है मैं उनकी खुशी उसी किसी में शामिल नहीं होंगी, ये बात भी पक्का है। थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। चलो दीदी की बेटी आ रही है मोनिका, मैं उसको जाती हूँ, नीचे आ रही होगी। वैसे मैं मिल रही हूँ बट वीडियो के लिए फिर से मिल रही हूँ। मोनिका पहली बार आई है शादी के बाद मेरे घर पे, है ना। पहले बच्चे के बर्थडे में आई थी। फोन आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया। चलो चलो घुमा कॉफी, तो पानी वानी देती हूँ। हेलो हेलो, एक कौन है ये हमारे लड्डू साहब है। फाइनली मोनिका आ गई है, मोहित भी आ गया। मैं सोच रही थी कि मोहित को मैंने फोन नहीं किया तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। मौसा जी ने कहा मैंने नहीं किया तो क्या पता। हेलो मोनिका, बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लग जाए। हेलो छोटी वाली दीदी मेरी, ये वही हालत हो रही जो अंजलि के साथ होती नहीं, अंजलि मुझसे छोटी लगती है, ये सीमा दीदी मुझसे छोटी लगती है। हेलो लड्डू के चाचा। तो पाठ शुरू हो चुका है, भावना बाहर चली गई थी और अभी मोनिका को देखकर वो आई है अंदर मोनिका से मिलने के लिए। और यहाँ पे देखो लक्ष्य का डांस चालू हो गया है और साथ में उसने लड्डू को बिठा दिया है, क्योंकि लड्डू किसी के पास जा ही नहीं रहा था मेरे, इनके और लक्ष्य के अलावा, और हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा काम थे। तो फिर मैंने बोला बेबी आप पकड़ लो क्योंकि मुझे और भी काम देखने होते हैं। तो जैसे ही वो डांस करने लगा तो लड्डू रोने लगा, फिर उसने गोद में उठाया और आज मेरा बच्चा बाल बाल बच गया। माता रानी की कृपा थी और आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स थी कि लड्डू को कुछ नहीं हुआ, वरना बर्थडे वाले दिन ऐसा हो जाता, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। बट कोई नहीं, सब कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है और अच्छा ही होता है। और उसके बाद अंजलि आ गई है और भैया भी आ गए हैं और यहाँ पे लक्ष्य कितना हैप्पी हो रहा है क्योंकि वो आना बहुत ज़्यादा क्लोज है भैया से और अंजलि से। तो लक्ष्य ना सुबह से इंतज़ार कर रहा था, फाइनली उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। अंजलि को पता नहीं था कि लड्डू के पैर में लग गई है, तो बोल रही थी कैसे लग गई, क्या हुआ, तो बस मैं वही सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अंजलि आ चुकी है। हेलो अंजलि, अंजलि को नज़र ना लगे। मैं ज्यादा सच के नहीं आई, तुमने बोला था। अरे यार पता है, मेरी मोनिका ने बोला कि वो तुम्हारी फ्रेंड आ रही है ना, मैंने कि हाँ अंजलि मौसी, मैंने कि हाँ आ रही है क्या। मैंने उनका वो देखा स्टोरी, ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आ रही है, वो सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है अंजलि के बच्चा है लड्डू और उसी की बर्थडे है। कम नहीं दिखना चाहिए, माँ कम दिख जा रहा है क्योंकि यार इतना गाँव में तो ऐसा ही हो पाता है। हेलो हेलो, मोनिका भी आ गई है। मोनिका कितनी एक्साइटेड थी अंजलि मौसी से मिलने के लिए, बहुत ज्यादा थी। हाँ शादी की ब्लॉग में, अगर मेरी पहली फ्रेंडशिप होती ना तो अंजलि भी आती शादी में। मोनिका, मोना कपिल, कैसा लग रहा है मिलके? आ जाओ भैया।
तो सुंदरकांड का पाठ हो चुका है और यहाँ पे ही पंडित जी आरती देने के लिए आए हुए हैं। तो सब लोग बारी बारी से यहाँ पे ले रहे हैं आरती। और भैया और अंजलि आए हुए हैं, तो भैया बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक दो भजन गाएंगे। वो हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि नहीं, आपको गाना ही पड़ेगा। तो बस चलिए एंजॉय करना आप लोग भी। मजे नहीं, हमारे हालत खराब हो रही है। क्यों अंजलि? अंजलि ये कहेगी पता नहीं मैं कहाँ आ गई। नहीं यार, गांव में यही होता है। कोई गांव में यही होता है ना, लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा सुंदरकांड बाकी है, थोड़ा सा भजन गा रहे हैं वो लोग। चलो चलो देखो दोस्ती हो गई यहाँ पे भैया से, दोस्ती हो गई। जानते हो पहले से? म्यूजिक हाँ। हमारा बहुत परेशान हो गया था, तो मैं उसको अंदर सुला के आ गई हूँ और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और लाइट अभी तक नहीं आई है और बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। भैया ने, अंजलि ने और भावना ने, तीनों ने भजन गाए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद हम आ गए अपने नोहरे में। हमारे यहाँ नोहरा बोलते हैं जहाँ पे भैंस गाय जो भी, मतलब तवेला बोलते हैं किसी लोगों के यहाँ। तो यहाँ पे मैं अंजलि को दिखा रही थी कि शादी के बाद हम लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पे हम लोग नहाते थे, सारी चीज़ें मैं उसको बता रही थी। उसके बाद आ गई मैं घर पे और यहाँ पे लड्डू अभी तक सो ही रहा है। लड्डू हमारा सो गया है, सब लोग बैठे हैं उस वाले रूम में। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, सब लोग खाना खा रहे हैं। हालत ख़राब है यार सच में। गांव में तभी तो करने का दिल नहीं करता, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बट गांव में सब लोग होते हैं तो फिर। लड्डू मेरा सो गया तो कुछ भी नहीं किया। मैं सोचता हूँ साड़ी चेंज करने का भी दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो अभी आई हुई हूँ मैं छत पे देखने के लिए, क्योंकि डेकोरेशन वाले भैया ना डेकोरेट करके चले गए हैं। और उनको जैसा थीम हमने बताया था कि ऐसे डेकोरेट करना है, वैसा उन्होंने नहीं बनाया, एकदम चेंज कर दिया। थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, बट मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, जैसा हुआ वैसा ठीक है गाँव के हिसाब से, क्योंकि गाँव में इतना हुआ ना वही काफ़ी है हमारे लिए। तो अभी आई हूँ मैं ऊपर, लड्डू जाग गया है और जैसा डेकोरेशन वालों से बात हुई थी ना वैसी डेकोरेशन करके नहीं गए हैं। जैसे टेंट वालों से बात हुई थी वैसा वो टेंट नहीं लगा के गए हैं। मतलब इनके भी अलग रहते हैं यार, तभी तो गांव से कोई फंक्शन करने में 100 बार सोचना पड़ता है, दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। ठीक है जैसा हुआ वैसा ठीक है, क्या कर सकते हैं। पीछे वाली पूरी बॉल ना डेकोरेट करनी थी, नहीं करी उन्होंने।
तो अभी हम जा रहे हैं सब लोग खाना खाने के लिए, और आपको पता है गांव में सब लोग एक साथ ही खाना खाते हैं सारा परिवार। तो यहाँ पर चाची वगैरह बैठी हुई थी, तो मैं उनसे बोल रही थी कि चलो चाची वगैरह आप भी हमारे साथ ही बैठे क्यों हो, तो बोल रही थी हमारा व्रत है गुरुवार का, क्योंकि उस दिन था गुरुवार 6 जुलाई को लड्डू का बर्थडे है, 6 जुलाई को लड्डू हुआ था। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है हद से ज़्यादा, और इसी गर्मी की वजह से हम लोगों ने सिंपल सा खाना रखा था, दाल टिक्कर पुलाव एंड चूरमा के लड्डू, क्योंकि जो वैसा खाना होता है ना पक्का वाला, उससे तबीयत भी ख़राब हो जाती है और वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, इसलिए ये हल्का रहता है, तो हमने यही खाने में रखा था। सब काम अच्छे से निपट गया, और अकेले सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है एक इंसान के लिए, मुश्किलें तो आती हैं, बट कोई बात नहीं। ये वीडियो मेरा थोड़ा लेंथी हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी केक कटिंग वाला। थैंक यू सो much